हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो. बलिनो BS6, दिस कार इज़ बलिनो एंड दिस कार इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम सोनीपत. HR10 नंबर है और ये BS6 गाड़ी है. इसमें जो किट लगाया हमने, लवेटो स्मार्ट 2 लगाया, दिस इज़ BS6. ये इसका ECM है, ये 4 इंजेक्टर का है. गाड़ी 4 इंजेक्टर का है इसलिए मैंने 4 इंजेक्टर ECM लगाया. अगर ये बलिनो 8 इंजेक्टर का होता तो मैं बड़ा सा ECM लगाता 8 इंजेक्टर का. और यहाँ पे जैसे मैंने इंजेक्टर 4 लगाया, यहाँ पे मैं 4 के बजाय 8 इंजेक्टर लगाता मैं. चलो, ये 4 इंजेक्टर कार है तो मैं इसके अंदर 4 इंजेक्टर किट लगाया. ये ECM 4 इंजेक्टर का है. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. और ये इसका सिंगल स्टेज रिड्यूसर है जो लवेटो में अप्रूव्ड है. और इसके साथ में लवेटो में गैस फिल्टर भी आता है और इसके साथ में मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है. और इस पीछे जो है इंजेक्टर लगा हुआ है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है. अब इस ये तो किट में आता है. किट के अलावा जो मैंने काम किया है इसके अंदर, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर फिटिंग किया मैंने इंजेक्टर्स में. इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है. दूसरा जो मैंने काम किया है इसके अंदर, स्टैटिक एडवांसर लगाया. देखो, मारुति और होंडा के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर. तो इसलिए इसके अंदर मैंने स्टैटिक एडवांसर लगाया. तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, आपके ECM से ये जितनी भी वायरिंग या एडवांसर से ये जितनी भी वायरिंग, ये सारा एक स्पायरल ट्यूब में जा रहा है प्रॉपर स्लीव. मैं बार बार ये क्वालिटी दिखाता हूँ. दिस इज ये इसलिए कि सेफ्टी इज़ मस्ट. अब ये वायर शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होंगे. ये मारुति ने दे रखा है, ये हमने दे रखा है. और ये 15 साल चलेगा तो ये भी चलेगा. नॉर्मल टेपिंग अगर करेंगे तो वो उसका जो गम है 2-4-6 महीने में निकल जाएगा और वायरिंग सारा बिखर जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा. अब इसके अंदर जो है मैंने गैस फिल्टर तो आते ही है, एडवांसर, आपका कूलेंट कनेक्शन किया हमने ताकि ये एक तो इसका टेम्परेचर सेंसर वहीं लगा रहेगा जहां लगा हुआ है. इसका जो रिड्यूसर में, यहां से हमने कूलेंट कनेक्शन लिया और ये आया आपके किट के अंदर. और आपको दिखाता हूं, इसका टेम्परेचर सेंसर यहां लगा हुआ है, यहां पे ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ. अगर मैं कूलेंट कनेक्शन नहीं करता तो ये टेम्परेचर सेंसर उठा के मेरे को यहाँ पर हीटर पाइप में देना पड़ता यहाँ पर, तो वो गलत होता. इससे एवरेज भी इम्प्रूव होगा, खासकर सर्दियों में दिक्कत भी नहीं आएगी और मज़ा आएगा इनको. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग डन बाय कार एनर्जी. जस्ट सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग, सुपर फिटिंग डन, मज़ा आएगा. अब एक बार इसका स्विच का प्लेसमेंट दिखाता हूँ. दिस इज़ बलिनो BS6 4 इंजेक्टर और इसमें जो सिलेंडर, अरे मज़ा आ गया. स्पेस देखो आप, ये पूरा 60% स्पेस मिला हुआ आपको पूरा. और जो स्टैंड लगाया हमने, दिस इज मोल्डेड रबर ग्रिप पाइप स्टैंड, बोल्टेड विथ TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट. ये नट बोल्ट कहीं नहीं जाएगा, एक बार फिक्स हो गया पूरे लाइफ के लिए फिक्स है. और डक्टिंग अभी फिक्स करूँगा एक बार गैस डालने के बाद. दिस इज़ द क्वालिटी, ज़बरदस्त. सी, कार एनर्जी इज बीइंग वर्किंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, सिंस 1998. हमारा गवर्नमेंट ऑथराइज RFC जो कोड है ये 261 है. और ये मेरा दोनों नंबर है, ये सॉलिड फिटिंग डन. चलते हैं एक बार CNG डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं. एंड बिलीव मी, द रिव्यू इज़ गोइंग टू बी अल्टीमेट, मज़ा आएगा. फिलिंग इन द मारुति बलिनो BS6, जो किट हमने इसके अंदर लगाया, लवेटो BS6. सिलेंडर जो इसमें हमने लगाया, 12 kg का सिलेंडर लगाया, लवेटो स्मार्ट 2 की किट है. गैस लगभग 7.5 किलो, 7 किलो 800 ग्राम है. बढ़िया. एक और गाड़ी है, मैं दिखाता हूँ. मैं, दिस इज़ फोर्ड फीगो. इसके अंदर जो हमने सिलेंडर लगाया 14 kg का लगाया और इसके अंदर हमने डायनेमिक एडवांसर लगाया. फोर्ड फीगो में भाई डायनेमिक एडवांसर लगाने के बाद गाड़ी चलाने का आनंद ही अलग है. ये रिड्यूसर है, ये ECM है, ये आपका फिल्टर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, इंजेक्टर है. सुपर फिटिंग, एक बार फिटिंग देखो मज़ा आ जाएगा. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, सॉलिड फिटिंग डन. और जो सिलेंडर लगाया इसके अंदर 14 kg का लगाया, एक बार देखते हैं इसके अंदर गैस कितनी आ रही है. kg में लगभग 7.5 किलो आई है और इसमें देखते हैं गैस कितनी आ रही है. इसमें थोड़ा गैस कम आती है और सर्दियों में गैस
14 केजी में आराम से 9-9.5 केजी गैस आ जाती है, और गर्मियों में यही कोई 8.5-9.5 लगभग 8 क्रॉस कर चुका है, 8.5 क्रॉस कर चुका है, और उसमें जैसे 7.5 आई है, इसके अंदर जो है लगभग 7.5 क्रॉस कर चुका है, और गैस लगभग 9 किलो क्रॉस कर चुका है। या बढ़िया बढ़िया भाई, सही सही जा रहा है, लगभग 9.5 पहुंचने वाला है। साढ़े नौ भी क्रॉस कर चुका है, कमाल है। 14 केजी, 9.5 किलो 600 ग्राम, 1 ग्राम लगाया, साइड फिलिंग बार लगाया, इसमें सिलेंडर 12 केजी का है, एक बार हटना भाई, और इसमें लगभग गैस 7.25 किलो आई है, और जो फिलिंग बार लगाया साइड फिलिंग बार, ये सेम वही कंपनी फिटेड में जो मारुति में आता वो वाल लगाया, चाइनीज वाल नहीं है, कंपनी फिटेड में। एक बार निकालना भाई, जरा दिखाता हूँ, ये देखो जो कंपनी फिटिंग फिटिंग में जो वाल्व आता मारुति के अंदर, जो कंपनी फिटिंग में आता वो वाल लगाया हमने इसके अंदर, ये मेड इन जर्मनी है, सॉलिड बढ़िया। एक बार ब्रश से ये सारा निकाल देना। सो दिस इज मारुति बलिनो BS6, और ये गाड़ी 4 इंजेक्टर गाड़ी है, इसमें जो किट लगाया हमने 4 इंजेक्टर किट लगाया, अगर ये 8 इंजेक्टर होता तो मैं 8 इंजेक्टर किट लगाता, जिसमें इंजेक्टर भी 8 होता, ECM भी एक बड़ा सा ECM होता 8 इंजेक्टर का, और इसमें जो किट लगाया हमने लवेटो स्मार्ट 2 BS6 लगाया, ज़बरदस्त किट है, और फिटिंग A1। भैया से एक बार पूछता हूँ कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा इसमें कि किट लगी हुई है, बिल्कुल जैसे पेट्रोल पे ही चल रही है गाड़ी, ऐसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है गाड़ी, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर गाड़ी। और फिटिंग कैसी रही है? बहुत अच्छी फिटिंग है सर, पता भी नहीं चल रहा, खोल के देख रहे हैं तो बोनट को कि किट लगी हुई है नहीं लगी हुई। बिल्कुल बहुत बढ़िया फिटिंग है, बिल्कुल सर। काफ़ी वीडियोस देखा आपने? हाँ वीडियो देखा सर, तब आए हैं आपके पास। चलो जो वीडियो में देखा वो चीज़ आप? हाँ वही चीज़ है सर, उससे भी अच्छी चीज़ लगी सर। चलो जी, कहाँ से आए हो? मैं सोनीपत से आया हूँ सर। चलो जैसे ही वहाँ शुरू होता है मैं आपको पेपर फाइल सारा बना के देता हूँ मैं। जी सर, हमारा जो पेपर भी होगा वो सोनीपत से ही बनवा के दूंगा। जी सर, और उसके बाद आप RC पे चढ़वा लेना। सो दिस इज बलिनो भाई, इस गाड़ी के अंदर मतलब CNG ज़बरदस्त कामयाब है, और जो इस गाड़ी के अंदर लगना चाहिए वो सब कुछ लगाया, मज़ा आएगा इनको लॉन्ग रन में, और इस जैसी गाड़ी नहीं है CNG पे, ज़बरदस्त है। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।